हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के लॉन्ग आंसर की सीरीज के अंतर्गत तीसरा लॉन्ग आंसर। इसके पहले हम दो लॉन्ग आंसर और दे चुके हैं। तो लॉन्ग आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर की सीरीज हमने शुरू की है। सो इसलिए जो प्रत्येक लॉन्ग जो भी हम दें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से कवर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉन्ग से। लॉन्ग है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ पोर्सिया अबाउट द वर्च्यू ऑफ मर्सी। व्हाट आर द व्यूज, व्यूज मीन दृष्टिकोण या कहें उसका नजरिया, कि क्या व्यू है पोर्सिया के, क्या व्यू है अबाउट द वर्च्यू ऑफ मर्सी, कि मर्सी के गुण के बारे में या मर्सी के प्रति उसके क्या व्यू है। अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गिव अ सब्सटेंस ऑफ पोर्सिया स्पीच ऑन मर्सी, कि गिव अ सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन होता है सार, कि ऑफ पोर्सिया स्पीच ऑन मर्सी, पोर्सिया की जो स्पीच है ऑन मर्सी, जो मर्सी पर पोर्सिया की स्पीच है उसका सार दें। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से भी आ सकता है, किसी एक तरीके में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर शुरू होता है इंट्रोडक्शन, जो पहली हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन है। पोर्सिया स्पीच ऑन मर्सी इज वन ऑफ द मोस्ट मूविंग स्पीचेस इन द प्ले, कि पोर्सियाज स्पीच ऑन मर्सी, कि पोर्सिया की जो स्पीच है, जो कथन है मर्सी पर, इज वन ऑफ द मोस्ट मूविंग स्पीचेस इन द प्ले, कि इस प्ले में वन ऑफ द मोस्ट मूविंग स्पीचेस, कि जीवंत या जो चलायमान स्पीचेस हैं उनमें से एक है, यानी जो उसकी सबसे अच्छी स्पीच है उनमें से एक है ये। पोर्सिया ग्लोरीफाइज द वर्च्यू ऑफ मर्सी, ग्लोरीफाई मीन होता है कीर्ति देना या महिमा मंडित करना, कि पोर्सिया मर्सी के गुण को यानी दया के गुण को महिमा मंडित करती हैं। सी डिफेंड्स एंटोनियो इन डिसग्यूस एज अ लॉयर, सी डिफेंड्स, वो एंटोनियो को डिफेंड करती हैं यानी उनकी रक्षा करती हैं। इन डिसग्यूस एज अ लॉयर, कि लॉयर की वेशभूषा में, इन डिसग्यूस एज अ लॉयर, इन डिसग्यूस मीन होता है वेशभूषा में, एज अ लॉयर यानी लॉयर के रूप में। तो सी ट्राइज टू काम डाउन साइलॉग विद द आर्गूमेंट दैट ही शुड बी मर्सीफुल टू एंटोनियो, सी ट्राइज टू काम डाउन, काम डाउन मीन होता है शांत करना, सी ट्राइज टू काम डाउन एंटोनियो, वो एंटोनियो को शांत करने की कोशिश करती है विद द आर्गूमेंट, इस तर्क के साथ, आर्गूमेंट अर्थात तर्क दैट की ही शुड बी मर्सीफुल टू एंटोनियो, कि उसको एंटोनियो के प्रति मर्सीफुल होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, अ नॉवेल वर्च्यू। अब पोर्सिया जो स्पीच देती है उसमें पहले वो मर्सी को एक नॉवेल यानी एक सभ्य गुण बताती है, नॉवेल वर्च्यू, वर्च्यू अर्थात गुण। तो पोर्सिया सेज टू साइलॉग दैट मर्सी इज अ नॉवेल वर्च्यू ऑफ ह्यूमन हर्ट, वो बताती हैं कि जो मर्सी है, वो पोर्सिया साइलॉग से कहती हैं कि जो मर्सी है वो एक नॉवेल वर्च्यू है मानवीय हृदय की, कि मनुष्य के हृदय का एक सभ्य गुण है। इट स्प्रिंग्स यानी ये प्रकट होता है इन द हर्ट ऑफ अ मैन, कि व्यक्ति के हृदय में, एज नेचुरली एज रेन कम्स ऑन द अर्थ, एज नेचुरली एज इतने स्वाभाविक रूप में जैसे रेन कम्स बारिश आती है ऑन द अर्थ, धरती पर जैसे बारिश आती है वैसे ही ये हृदय में व्यक्ति के प्रकट होती है। इट स्प्रिंग्स इन द हर्ट ऑफ अ मैन, ये स्प्रिंग्स अर्थात प्रकट होना इन द हर्ट ऑफ अ मैन, व्यक्ति के हर्ट में, हृदय में यानी, एज नेचुरली एज रेन कम्स ऑन द अर्थ, जैसे कि इतने स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है जैसे धरती पर बारिश। इट इज अनफोर्स्ड, ये अनफोर्स्ड है यानी इसको फोर्स नहीं किया जा सकता, एंड स्पॉन्टेनस यानी स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से स्त्रावित होती है। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, ये दोनों को, दोनों के लिए वरदान है, दोनों को ब्लेस करती है, आशीर्वाद देती है, ये वरदान संपन्न बनाती है बोथ गिवर को यानी जो दया शो करता है, जो दया दिखाता है उसको, एंड द रिसीवर जो दया को ग्रहण करता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, गॉड्स वर्च्यू। अब पोर्सिया इसको ईश्वरी गुण बताती है, गॉड्स वर्च्यू बताती है। इट इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, वो बताती है स्वयं ईश्वर का ही एक गुण है। इट इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, इट इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, वो बताती है कि ये स्वयं ईश्वर का ही एक गुण है। सी सेज दैट, वो ये कहती हैं कि द पर्सन हु शोज दैट क्वालिटी ऑफ मर्सी, वो कहती हैं कि द पर्सन, वो व्यक्ति
हु सो, जो सो करता है, प्रदर्शित करता है, दैट क्वालिटी ऑफ मर्सी, वो दया का गुण गेन्स, वो पाता है गॉड्स पावर, ईश्वरी शक्ति को पाता है। यानी जो पर्सन दया को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, वो ईश्वरी शक्ति को गेन करता है, प्राप्त करता है। इट मेक्स अ किंग बेटर देन हिज क्राउन, इट मेक्स, ये बनाती है, जो दया है वो बनाती है एक राजा को बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट यानी उसके सिंहासन से भी ऊंचा बनाती है। क्राउन अर्थात होता है मुकुट, यानी उसके मुकुट से भी ऊंचा उठा देती है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन द क्राउन ऑफ अ किंग, इट इज स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा शक्तिशाली है देन द क्राउन ऑफ अ किंग, की राजा के मुकुट से, यानी राजा के मुकुट कहने का मतलब राजा की शक्ति से भी अधिक ये शक्तिशाली है। सो द पर्सन हु हैज मर्सी इज मोर ऑनरेबल देन द पर्सन विदाउट मर्सी, इसलिए द पर्सन हु हैज मर्सी, वो व्यक्ति हु हैज मर्सी, जिसके पास दया है, इज मोर ऑनरेबल, वो ज्यादा ऑनरेबल है, सम्मानीय है, देन यानी उस व्यक्ति की अपेक्षा, देन द पर्सन विदाउट मर्सी, उस पर्सन की अपेक्षा जिसके पास दया नहीं, जो कठोर व्यक्ति है, जो दिल का बहुत कठोर है, वो उतना सम्मानीय नहीं है जितना जिसके अंदर दया हो, दया कूट कूट के भरी हो, किसी का रोना ना देख सके, वो व्यक्ति सम्मानीय होता है। सो द पर्सन हु हैज मर्सी इज मोर ऑनरेबल देन द पर्सन विदाउट मर्सी, इसलिए वह व्यक्ति जो बहुत दयालु है, जिसके पास दया का गुण है, वो ज्यादा सम्मानीय है उस पर्सन की अपेक्षा जिसके पास कोई दया नहीं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, दस पोर्सिया सेज टू साइलोग, इस प्रकार, दस अर्थात इस प्रकार, पोर्सिया सेज टू साइलोग, पोर्सिया साइलोग से कहती है दैट की अ मर्सीफुल पर्सन इज लाइक गॉड, कि जो दयालु व्यक्ति है वो ईश्वर की तरह है। सो साइलॉग शुड बी मर्सीफुल टूवर्ड्स एंटोनियो, इसलिए साइलॉग को मर्सीफुल होना चाहिए, शुड बी मर्सीफुल यानी दयालु होना चाहिए, टूवर्ड्स अर्थात की ओर या के प्रति, एंटोनियो, एंटोनियो के प्रति उसको दयालु होना चाहिए। इट इज अ डिवाइन वर्च्यू, ये दिव्य गुण है, डिवाइन अर्थात दिव्य, दैवीय, ये दैवीय गुण है, वर्च्यू अर्थात गुण। तो इस प्रकार से कंक्लूजन भी समाप्त होता है और फाइनली ये लॉन्ग आंसर भी समाप्त होता है। आशा है ये लॉन्ग आंसर आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी हमसे लोग जुड़ें। और आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और जाने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि जो जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में और ट्विटर पर, वे हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसमें इनकी लिंक पड़ी है, उनको वहाँ जाके इन पर हमें ज्वाइन करें। तो आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले लॉन्ग आंसर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।